मुस्लिम लीग नून के सदर की फहरिस्त से निकाल दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 345 सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी है। सियासी जमातों की फहरिस्त में मुस्लिम लीग नून की सदारत का ओहदा खाली रखा गया है। मुस्लिम लीग नून सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त में 215वें नंबर पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद नवाज शरीफ पार्टी सदारत के भी अहल नहीं रहे थे। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून को पहले ही पार्टी सदारत से मुतालिक खत लिख चुका है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की सदारत का ओहदा खाली करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ का नाम मुस्लिम लीग नून के सदर की फहरिस्त से निकाल दिया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 345 सियासी जमातों की ताजा तरीन फहरिस्त जारी कर दी है। सियासी जमातों की फहरिस्त में मुस्लिम लीग नून की सदारत का ओहदा खाली रखा गया है और मुस्लिम लीग नून सियासी जमातों की ताजा फहरिस्त में 215वें नंबर पर है। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद नवाज शरीफ पार्टी सदारत के भी अहल नहीं रहे। मजीद तफसीलात जानेंगे, शाकिर अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, क्या अपडेट्स हैं मजीद? साइड पर अपनी तफसीलात जारी की है, उसमें जो नवाज शरीफ का सदारत का होता है वो खाली करार दे दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय के बाद जो नवाज शरीफ थे वो पार्टी सदारत के लिए भी मौजूद नहीं थे। लिहाजा कुछ अर्सा कबल बल्कि पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को भी एक शोकाज नोटिस भेजा था, जिसमें उनको कहा गया था कि वो 7 दिन के अंदर अपना कायम मकाम सदर और 45 दिन के अंदर अपना सदर मुंतखब करें। तो इस सिलसिले में आज नून लीग का इजलास भी होगा, और तहम इलेक्शन कमीशन ने जो नई वेबसाइट पर अपनी तफसीलात डाली हैं उसमें नून लीग का सदारत का ओहदा खाली करार दे दिया है। जी शाकिर अब्बासी, नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।